अरे बस 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 बहुत हो गया, तेरे ऐसे जोक सुनकर मैं वापस यूएस भाग जाएगा। हाँ, और रेखा कहेगी कि जब एंगेजमेंट अमेरिका में हुई है तो मुझे शादी भी अमेरिका में ही करनी है। कर छोड़ो, एक और सुनो, एंगेजमेंट के कितने दिन बाद शादी करनी चाहिए? कितने दिन बाद? अरे भगवान ने तुम्हें दिमाग दिया है, सोचो। चल बता ना यार। जितने मोबाइल के पैसे बचाने हो। हंस लो, नाच लो, गा लो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बहुत जल्द सब कुछ बदल जाएगा, कोई नहीं बचेगा हंसने के लिए। और तुम बच के रहना, कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। Hey you, तुम हो को ना, और यहाँ क्या कर रही हो? जाओ निकलो यहाँ से, मैंने कहा ना, जस्ट गेट आउट। ये अचानक तुम्हें देखकर ऐसे डर क्यों गई? पता नहीं, बहुत अजीब औरत है, पहले तुम्हारे ऊपर उंगली उठा रही थी और उसके बाद में ये। मयंक! यार राजेश, ये तेरे पार्टी में कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, अब ये कौन है? अरे यार, तूने इसे नहीं पहचाना? अंकुर। हाय मयंक। यार अंकुर, ये क्या हाल बना रखा है? अमेरिका से हो आए। सॉरी, मैं तुझे पहचान ही नहीं पाया। छाने दे। अरे लेकिन बता तो सही, हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या है? ये देख रहे हो क्या, तेरी हालत इसकी वजह से हुई है? हाँ। अरे यार, अगर ऐसी बात है तो तू इसे फेंक क्यों नहीं देता? यही तो बात है, फेंक नहीं सकता। अगर इसे एक बार कुछ मांग लिया तो फिर ये पीछा नहीं छोड़ता। मांग लिया मतलब? ये कोई अलादीन का चिराग है, यही समझ लो। दिखा दिखा, क्या है इसमें? ये क्या है? ये तुम्हारी सभी इच्छा पूरी कर देगा। ये कहाँ से मिला तुम्हें? एक दिन मैं जंगल में किसी काम से जा रहा था, मेरे सारे दोस्त विदेश में नौकरी कर रहे हैं और मैं 5,000 की नौकरी के लिए इस जंगल में भटक रहा हूं। सुनो बेटा, इधर आओ। तुम कौन हो भाई? मैं तुम्हारी किस्मत का दरवाजा खोल सकता हूँ। हाँ, कहाँ है वो दरवाजा? तुम्हें जो चाहिए दे सकता हूँ। अच्छा, तो तुम मुझे एक बड़ा सा बंगला, 2 करोड़ रुपया और एक बड़ी सी गाड़ी दे सकते हो? क्यों नहीं, वो सब तुम्हें मिल जाएगा। मिल जाएगा? वो कैसे? उसकी चिंता तुम मत करो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। कहो क्या काम है तुम्हारा। ठीक है, ये लो, इसे हमेशा अपने पास रखना होगा, हमेशा। लेकिन ये तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा कि तुम इसे हमेशा अपने पास रखोगे। हाँ, ये क्या है? यही तुम्हारे सपने पूरे करेगा। सच में? बिल्कुल सच। लेकिन इसे लेने से पहले मुझे मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर लेने दो। ला, 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 ला। मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं
यहीं मर जाओ। और जैसे ही उसने मौत मांगी वो मर गया, और तब से ये खोपड़ी मेरे हाथ में लटक रही है। तूने इस खोपड़ी से कुछ नहीं मांगा? मांगा था, बहुत कुछ मांगा था। तो मिला? हाँ, एक आदमी इससे सिर्फ 3 बार मांग सकता है, सिर्फ 3 बार। अंकुर, एक बात बता यार, क्या ये मुझे मर्सिडीज दिलवा सकता है? हाँ, दिखा ना। सोच लो, जो मांगोगे मिलेगा। ये खोपड़ी कुछ देती है तो बदले में कुछ ले भी लेती है। अरे अगर मर्सिडीज मिल रही हो तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ यार। ये खोपड़ी मुझे दो, मैं रखूंगी इसे। मुझे ऐसी अजीब अजीब चीजें जमा करने में मजा आता है। सोच लो, अगर बाद में डर गई तो? डरने के लिए तुम लोग हो ना। अरे तुम्हें पता नहीं, यही अंकुर स्कूल के टाइम में कबड्डी का कैप्टन हुआ करता था, और अब देखो क्या हालत हो गई उसकी। मैं तो शुरू में पहचान ही नहीं पाया उसे। और उसने हमें जो खोपड़ी दिखाई है, ये सूखी खोपड़ी, मुझे तो अजीब सी लगी। इन सब चीजों से कुछ होता तो है नहीं, बस उल्टे सीधे ख्याल आते हैं दिमाग में। Come on, Mayank. तुम्हें अंकुर से ये खोपड़ी लेनी नहीं चाहिए थी। मुझे इंटरेस्टिंग सी लगी, और वैसे भी मुझे कुछ तो ले जाना है ना अमेरिका यहाँ से। इसको तो देखकर ही डर लगता है। चलो गाड़ी में बैठो। वो औरत? कौन सी औरत? वो वही जो पार्टी में दिखी थी, वो सन की औरत। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने अभी उसे देखा यहाँ। तो फिर कहाँ गई? कुछ ठीक नहीं हो रहा है। उस औरत ने सही कहा था, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मयंक, अब तुम फालतू की बातें कर रहे हो। चलो बहुत देर हो गई है, घर चलते हैं। चलो। खोपड़ी को हाथ नहीं लगाना चाहिए था, बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए था। Come on, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ ऐसा लगा। सुनो मयंक, वहां सचमुच कोई नहीं था। मुझे लगता है हमें मयंक को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। अरे पापा मम्मी अभी तक सोए नहीं? ऐसा तो नहीं कि वो हमारा इंतजार कर रहे? नहीं, कुछ और बात है। ये बैंक का नोटिस आ गया है, और फिर कुछ दिनों में ये घर भी तो नहीं रहेगा ना? अभी तो वो आया है, उसे कुछ दिन और आराम से रहने दो। मयंक को बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, मुझे भी कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। फिलहाल उसे परेशान करने की कोई जरूरत नहीं, समझी कि नहीं? हाँ लेकिन अरे बेटा, तुम लोग कब वापस आए? पार्टी कैसी थी? मम्मा, पापा, आप लोग किस बारे में बात कर रहे थे? बेटे कुछ नहीं, बस इधर उधर की बातें कर रहे थे। तुम थके हुए हो, जाओ आराम करो बेटा। पापा, बात पलटने की कोशिश मत कीजिए, मैं सब कुछ सुन चुका हूँ। मम्मा, बैंक ने हमें किस तरह का नोटिस भेजा है? वो मम्मा, बेटा तुम्हारे विदेश जाने के बाद यहाँ यहाँ बिजनेस में बहुत सारे लॉसेस हो गए बच्चे। फैक्ट्री में आग लग गई, और फिर इंश्योरेंस वालों ने पैसा नहीं दिया। बैंक का कर्जा चुकाने के लिए हमें एक घर गिरवी रखना पड़ा, और आज बैंक का आखिरी नोटिस आया है कि अगर हमने इस महीने 25 लाख रुपए नहीं चुकाए तो वो हमारा घर नीलाम कर देंगे। लेकिन बेटे तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगा। लेकिन पापा, जब इतनी मुश्किलें थी तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मयंक, अब बिजनेस में फायदा नुकसान तो होता ही है बेटा। पर पापा,
इतना बड़ा नुकसान। मयंक, मयंक, क्या हुआ मयंक? बात क्या है? ये अचानक क्या हो गया रेखा? कल तक हम एक नया घर बनाने का सपना देख रहे थे और आज अपना ही घर अपने हाथ से जा रहा है। मैंने सोचा था कि मॉम डैड को वर्ल्ड टूर पे लेके जाऊंगा, अब क्या होगा? हमारी शादी कैसे होगी? सब कुछ बर्बाद हो गया। रिलैक्स मयंक, हम दोनों साथ मिलकर कोई रास्ता निकाल लेंगे। रास्ता कैसे निकलेगा? कहां से आएंगे 25 लाख रुपए? अब तो कोई चमत्कार ही हमें बचा सकता है। वो खोपड़ी कहां है? क्या? वो खोपड़ी जो अंकुर ने हमें दी थी, मुझे वो खोपड़ी चाहिए। तुम करना क्या चाहते हो मयंक? देखो ये सब फालतू की बात है। जो भी हो, कोशिश करने में क्या हर्ज है? अभी जिस हालत में उससे तो बुरा नहीं हो सकता ना। सोच लो मयंक। मैंने कहा ना, मैं देख लूंगा, बस वो खोपड़ी ला के दो। मैं सब सिर्फ हम दोनों के लिए कर रहा हूं, हमारे सपने के लिए कर रहा हूं। मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, इतना पैसा कि मेरी फैमिली की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए, इस घर में पैसों की कोई कमी ना हो। ये तो फिर से ठंडा हो गया, इसके जादू क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था मयंक, ये सब फालतू की बात है। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बारी आई तो जादू खत्म। ऐसे जादू और चमत्कार से कुछ नहीं मिलता मयंक, और अगर मिल भी गया तो इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। कर दूंगा कम। सर ये रोड एक्सीडेंट का केस है। इतनी देर हो गई, मैं कब तक आया क्यों नहीं? परेशान मत हो, फोन करके देख लो ना, उसका नंबर अनअवेलेबल आ रहा है। ओके okay. अरे बेटा घबराओ मत, रेखा सिर्फ 9:30 बजे हैं बेटा, वो किसी जरूरी काम से फंस गया होगा बस, और क्या। हेलो, हाँ मैं अविनाश बोल रहा हूँ, कौन? हाँ राकेश बोलो। अरे तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? क्या कह रहे हो तुम? ये कैसे हो सकता है राकेश? नहीं, कैसी बात कर रहे हो तुम? हे भगवान, क्या हुआ पापा, आप रो क्यों रहे हो? हमारा मयंक अब इस दुनिया में नहीं रहा। इंश्योरेंस एजेंट का फोन, मयंक ने 25 लाख का इंश्योरेंस करवाया था।
रेखा, क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो तुम? हाँ, हम अपने बेटे को तो खोई बैठे, क्या तुम्हें भी खो दे? मुझे जीने का कोई हक नहीं है मामा, सिर्फ मेरी गलती की वजह से मैं की जान गई। बेटी संभालो अपने आप को, अगर तुम ही ऐसा करोगी तो फिर हमारा क्या होगा? अगर आपको पता चल गया तो आप भी मुझे माफ नहीं करेंगे डैडी। ऐसा क्या किया है तुमने? जस्ट कम डाउन बेटा, अब यहाँ बैठो, अब बोलो। कल पार्टी में एक दोस्त ने हमें खोपड़ी दिखाई। खोपड़ी? एक अजीब सी खोपड़ी जो कुछ भी मांगने पर पूरा कर देती है, लेकिन उसके बदले में नुकसान बहुत बुरा होता। मयंक बैंक के नोटिस के बाद सुनकर बहुत परेशान था। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं मानी, और उसने खोपड़ी से बहुत सारे पैसे मांगे, और आज आज खोपड़ी ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। मयंक की जान के बदले में हमें 25 लाख रुपए दे। अगर वो खोपड़ी हर इच्छा को पूरी कर सकती है तो फिर वो मेरा बेटा भी वापस ला सकती है। हाँ, जिस तरह से मेरा बेटा चला गया वैसे ही मैं उसे वापस ला सकता हूँ। कैसा हो सकता है? पापा फिर वही गलती कर रहे जो मयंक ने की थी। नहीं, जो गलती मयंक ने की थी मैं उसे वापस सही कर रहा हूँ। मुझे अपना बेटा चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। जिंदगी और मौत आदमी के हाथ में नहीं होती, और कोशिश करने पर इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा बेटा चाहिए। प्लीज बेटे, प्लीज बताओ कहाँ है वो? प्लीज बता दो। प्लीज बेटे बताओ खोपड़ी कहाँ है? स्ट्रॉ में। इस घर में ले आओ। इसे क्या हो गया? मेरा मेरा बेटा कहाँ है? कुछ होने वाला है। मैंने मैंने कहा था ना आपसे, कहा था ना मैंने आपसे, आपने मेरी बात ही नहीं मानी। यहाँ का माहौल बहुत अजीब सा हो गया। तुम एक काम करो बेटा, आज की रात ना तुम किसी फ्रेंड के यहाँ रहे हो, सुबह तक माहौल बदल जाएगा, फिर तुम वापस आ जाना। आजकल तो मौसम का कुछ पता ही नहीं चलता। हाँ, मैंने भी टीवी पर देखा है, चंडीगढ़ में बर्फ के टुकड़े गिर रहे हैं, यहाँ गर्मी के मारे हालत खराब हो रही है। लेकिन आज तो अपने हम ही बादल गरज रहे हैं। खाली गरज रहे हैं, बरसेंगे थोड़ी। तुमने वो डायलॉग नहीं सुना है? जानी जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अरे ये क्या हो गया? लग रही है। देखो ये क्या हो रहा है? Ah!
वापस आ जाएगा ना। दुर्गा, तुम्हारा बेटा जरूर वापस आएगा। इस बार जब वो वापस आएगा ना, मैं उसे विदेश नहीं भेजूंगी, अपने पास ही रखूंगी। मयंक, अरे तू आ गया, हमें तो लगा था कि हमने तुझे खो दिया। चल अंदर आ जा। सुनिए आना, तू चल, देखिए हमारा बेटा वापस आ गया, मयंक आ गया। मयंक, मेरे बच्चे, उसके चेहरे को क्या हो गया? बेचारे को एक्सीडेंट में चोट लगी। मेरा बच्चा मयंक, मयंक मेरा बच्चा, मयंक। ये क्या हो गया इसको? अगर किसी ने इसे इस हालत में देख लिया तो? नहीं नहीं, तू चल के अपने कमरे में आराम कर बेटा, और जब तक तू ठीक नहीं हो जाता ना, कहीं बाहर आने जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, नहीं। देखो, कल यहाँ जरूर कोई आएगा, और अगर आ गया तो जरूर इनको देखेंगे, और अगर रेखा आ गई तो वो तो इसको यहाँ बुलाने के खिलाफ थी। तो हमें किसी को बताने की जरूरत ही क्या है कि हमारा मयंक वापस आ गया? और जब तक रेखा यहाँ आएगी ना, हम इसे छुपा देंगे। समझो प्लीज, मुझे अपना बेटा चाहिए। चल बेटा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मयंक मर चुका है, और इतनी रात गए हम अंकल और आंटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इस वक्त एक्चुअली आंटी, सॉरी हम लोगों ने आपको इतनी देर से डिस्टर्ब किया। वो बात यह है आंटी, मैंने मयंक को एक बैग दिया था रखने के लिए, उसमें मेरा लाइसेंस और कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स थे, तो बस वही लेने आया था। मैं लेकर आती हूँ। नहीं आंटी, आपको नहीं पता होगा, वो मैंने मयंक की अलमारी के ड्रॉअर में रखे थे। हाँ तो मैं लेकर आती हूँ। अरे आंटी, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? अरे मैंने कहा ना, मैं लेकर आती हूँ, तुम यहीं रुको। Can't you understand that? सुनिए, आप मेरे साथ ऊपर चलेंगे प्लीज? हाँ हाँ, तुम यहीं ठहरना है, हम अभी आए हैं, यहीं रुको। यार तुझे नहीं लग रहा कि आंटी कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, मुझे भी दाल में काला लग रहा है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ, खाना दो। माँ, माँ, नहीं मयंक, ये नहीं हो सकता। मैंने कहा नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। हम लोग तेरे दोस्त हैं, हम तेरे दोस्त हैं। मैं नहीं, मैं जाओ। मैं तो हमारे दोस्तों, मैं तो ऐसा नहीं कर सकते। अरे ये क्या, मैं ने अपने दोस्तों को जान से मार डाला। क्या किया जाए?
जाने से पहले लाश को छुपाना होगा। गुड मॉर्निंग। क्या बात है? क्या बात है, आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? सब कुछ ठीक तो है ना? कोई गड़बड़? बेटी सब ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं। मामा आप अपने हाथ पे बटर लगा रही हैं। मामा आपने अपना हाथ काट दिया, क्या कर रही हैं आप? रुकिए मैं बैंडेज लेके आती हूँ। दुर्गा तो अंकुर का ड्राइविंग लाइसेंस है, वो आया था यहाँ? नहीं, नहीं आया था। मामा, मामा, सब मामा, मामा वेक अप, कम ऑन मामा वेक अप मामा। चलो बेटे, मैंने तुमसे कहा ना कमरे से बाहर नहीं निकलना। यहीं बैठे रहना, अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो। दुर्गा, दुर्गा, ये मैं को क्या? बताऊंगा बताऊंगा, पहले दुर्गा को अस्पताल ले जाना है। इतनी गहरी चोट उनको लगी कैसे? अब सब वो सीढ़ियों से लुढ़क कर गिर गई थी। पर इनको देख के तो ऐसा लगता है जैसे कोई सड़क पे एक्सीडेंट हुआ हो। सर पे इतनी गहरी चोट लगने की वजह से ऑपरेशन करने से भी कोई फायदा नहीं। वैसे उनको सुला दिया है पर फिर वो कब उठेंगी इसकी उम्मीद जरा कम है। ऐसा मत कहिए डॉक्टर प्लीज। हम लोग हमेशा पेशेंट को ये दिलासा देते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा, पर इस केस में झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। संभालिए अपने आप को, ये सब आपकी जिद की वजह से हुआ है। ऐसी बात नहीं, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? अब क्या बताएंगे आप डैडी? जो कुछ हुआ है वो आपके सामने हुआ है। मैंने आपको कितनी बार समझाया कि जिंदगी और मौत के साथ ऐसा खेल नहीं खेलना चाहिए, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं मानी। जी, मैं अपने प्यार से मजबूर था, अपने बेटे की मौत कौन सह सकता है? और उसे वापस लौटाने का बस यही एक मौका था, मैं उसे कैसे छोड़ सकता था? पहली बार जब मैंने उसका चेहरा देखा मुझे झटका जरूर लगा, लेकिन मैं इतना खुश था मुझे सोचने का वक्त ही नहीं मिला। लेकिन उसके बाद जब राकेश और अंकुर घर आए। अंकुर और राकेश घर आए थे? हाँ बेटी, और मयंक ने उन्हें देख लिया और क्या डैडी? बेटे और क्या डैडी बताइए, बताऊं तुम्हें बेटा? मायक ने दोनों की जान ले ली ताकि किसी को पता ना चले। मैंने उन दोनों की लाश छुपा दी और मायक को ऊपर वाले कमरे में बंद कर दिया। मायक ने राकेश और अंकुर की जान ले ली और आप उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? तो बेटी मैं क्या करता? उसे अपने हाल पे छोड़ देता? डैडी, डैडी वो आपका बेटा नहीं है, वो एक जीता जाता शैतान है, शैतान जिसने दो मासूम लोगों की जान ली है। डैडी प्लीज समझने की कोशिश करिए प्लीज। क्या आपको कोई अंदाजा है कि आपके प्यार की खातिर
कितनी बड़ी बर्बादी हुई है। बेटी ठीक कह रहे हो, लेकिन अब क्या किया जाए? हमें मयंक को वापस भेजना होगा डैडी, तभी उसे शांति मिलेगी और हम सबको भी। सुनिए अविनाश जी। जी आपकी पत्नी की मौत हो गई। मैं क्राइम ब्यूरो से हूँ, मिस्टर अविनाश आप ही हैं ना? जी हाँ, कहिए क्या बात है? मुझे आपके बेटे मयंक की मौत के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। जी। क्या ये बात सच है कि आपके बेटे मयंक की लाश मॉर्ग रूम से गायब हो गई है? जी हाँ, मेरा मतलब है कि नहीं। नहीं? तो फिर उसकी लाश का अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया गया? क्या है कि लाश गायब तो हो गई लेकिन मिली नहीं, तो आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट करना जरूरी नहीं समझा? ऐसी बात नहीं है, वो दरअसल क्या है कि मेरे पास सर्च वारंट है, मुझे आपके घर की तलाशी लेनी होगी। किसका है और ये कमरा बंद क्यों है? देखिए कमरा तो मयंक का है, लेकिन अब जब वो रहा नहीं तो कमरा इसलिए। खोलिए इसको, मुझे इस कमरे की तलाशी लेनी है। देखिए क्या है कि वो चाबी मुझसे कहीं रह गई, मुझे ठीक है तो हमें इसे तोड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं देखिए तोड़िए मत, तोड़िए मत, चाबी शायद मेरे कहीं, अरे हाँ फौरन यहाँ आ जाओ। मयंक न जाने कहाँ चला गया है। क्यों? और बेटी उसका शरीर गल रहा है। अरे कौन है भाई? मयंक। अरे मयंक बेटा आओ अंदर आओ, अंदर आ जाओ बेटा। पापा खून जरूर मयंक किसी तरफ गया है, ये तो प्रताप अंकल का घर है। वो यही है, देखो बेटी तुम घर जाओ, वो खोपड़ी ले आओ जल्दी से। ठीक है मैं अंदर देखता हूँ। ठीक है बेटी जल्दी करो जल्दी। तू कुछ बोलता नहीं बेटा, रेखा से झगड़ा हुआ होगा इसीलिए यहाँ चला आया, मैं सब समझता हूँ। अरे ले, इतने दिन बाद आया है और मैंने कुछ खाने को भी नहीं पूछा तुझे। बैठ बेटा, मैं देखता हूँ कुछ। ये ले बेटा, ये ले खा ले बेटा, है खा ले खा।
आएगा कैसे? रुक जा, मैं देता हूँ कुछ काटने को। ये ले, ये ले बेटा, खा ले इसे, इसे खाओ काट के, अपना घर समझो। सामने बहुत परेशानियां आने वाली हैं। तुम्हें सावधान भी किया, तुम्हें होशियार भी किया, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी। मैं तो सिर्फ इस खोपड़ी की पहरेदार हूँ। इसके पीछे पीछे लेकिन जो भी इस खोपड़ी के लालच में आएगा वो बर्बाद होता जाएगा। अब देखती हूँ कौन इस खोपड़ी को उठाने आता है।